हरियाणा शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर से स्कूलों के समय में बदलाव होगा। डबल शिफ्ट की समय सारणी में बदलाव। एकल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक किया गया है। डबल शिफ्ट में पहले शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक होगा। दूसरे शिफ्ट का क्या समय रहेगा वो आपको बता दें, 12:40 दोपहर से समय शुरू होगा और शाम को 5:15 तक दूसरी शिफ्ट की ये टाइमिंग रखेगी। तो समय सारणी में ये बदलाव किया गया है क्योंकि सर्दियों का आगमन हो गया है। ऐसे में समय सारणी के बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो समय सारणी में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एकल शिफ्ट और डबल शिफ्ट दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग दिए गए हैं। ये बदलाव इसलिए किया गया है, सर्दियों का आगमन हो गया है, आने वाले दिनों में बहुत तेज सर्दी पड़ेगी और इस दौरान छात्रों को भारी परेशानी पेश आ सकती है। इसीलिए छात्रों की सुविधा के लिए, स्कूल स्टाफ की सुविधा के लिए ये परिवर्तन किया गया है। हरसिमरत खबरें अभी तक की संवाददाता हमारे साथ लाइव इसी खबर पर जुड़ चुकी है। हरसिमरत, समय सारणी में बदलाव किया गया है, इस बदलाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई? जी आरती, मैं बता दूं कि धीरे धीरे जिस तरह से सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर ये नए निर्देश जो हैं विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं कि अब उनका जो स्कूल का समय रहेगा उसको बदल दिया गया है, ताकि जो आगे धुंध वगैरह शुरू हो जाएगी तो उससे कोई दिक्कत विद्यार्थियों को, छात्रों को ना आए। इसलिए जो सिंगल शिफ्ट के स्कूल थे और जो डबल शिफ्ट के स्कूल थे, दोनों के समय में बदलाव किया गया है। अगर सिंगल शिफ्ट की बात की जाए तो स्कूल सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और ये दोपहर 3:30 बजे तक चले। वहीं अगर जहां पर डबल शिफ्ट में स्कूल चल रहे हैं वहां पर जो ये समय है वो सुबह 7:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं जो दूसरी शिफ्ट होगी, दूसरी शिफ्ट में ये समय 12:40 से शुरू होकर शाम को 5:15 तक रहेगा। आपको बता दें कि सर्दी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए ये जो फैसला है लिया गया है और इनका जो स्कूल का समय है वो 1 दिसंबर से बदला जाएगा। जी, तो 1 दिसंबर से ये बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हरसिमरत आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।